Wherein we are going to be seeing fact the confluence of ideas, confluence of innovations, confluence of technologies, confluence of industrialists coming from various countries, and then the world leaders descending on this land in Madhya Pradesh as we work towards the leadership of our Honorable Chief Minister towards making Madhya Pradesh a Swarnim Madhya Pradesh, making Madhya Pradesh a Viksit Madhya Pradesh, and then contributing to the larger vision of our Honorable Prime Minister towards making India a Viksit Bharat. और आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की परिकल्पना में देश का सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है बल्कि साथ साथ सामाजिक विकास भी और एक संतुलित विकास अपने वातावरण का पर्यावरण की संरक्षण करते हुए अपने देश का विकास और इसकी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल स्टेज पर भारत की तरफ से अनेक कमिटमेंट्स किए गए हैं. COP26 में ये कमिटमेंट किया गया था कि भारत स्टेप बाय स्टेप चलते हुए धीरे धीरे चलते हुए 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से कम कर देगा और नेट ज़ीरो हो जाएगा. उसी की तरफ हर इंडस्ट्री की तरफ इंडस्ट्री को भी आह्वान किया गया है कि आप अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करें और जब इंडस्ट्री उद्योग और सरकार मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेगी तभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल स्टेज पर जो कमिटमेंट्स किए हैं उसे हम सुनिश्चित कर पाएंगे, उन पर हम पूरी तरह से पूरा उन्हें कर पाएंगे. तो उसकी तरफ भी आपका सहयोग आपका योगदान हम चाहते हैं और इन मीट्स के माध्यम से इन कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकार की जो सोच है जो मंशा है जो नीतियां हैं आप सभी के साथ साझा कर हम सभी के साथ सभी के प्रयास के साथ और सभी के विश्वास के साथ अपने मध्य प्रदेश को अनेक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. जहाँ पर आप हैं सागर में और विशेष रूप से जो हमारे देश के अनेक राज्यों से शायद पहली बार यहाँ पर सागर में आए होंगे, सागर के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे. सागर का इतिहास 1660 से आरंभ होता है जब गोंडवाना शासन के गोंड राजा निहाल शाह के वंशज उधम शाह ने तालाब के किनारे स्थित एक किले का निर्माण कराया और उसके बाद उसके पास ही परकोटा नाम का गांव बसाया. ये परकोटा गांव बाद में आगे चलकर सागर कहलाया. सन 1735 के बाद जब सागर पेशवा के अधिपत्य में आया तब पेशवा के एक अधिकारी गोविंद राव पंडित वर्तमान और उसे समझाता है कि इस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विशाल झील है बाहर जिसे लाखा बंजारा झील पहले कहा जाता था उसको क्योंकि वो सागर की तरह विशाल है तो शायद उससे इस शहर का नाम बाद में सागर पड़ा. और ये भी कहते हैं कि सागर और यहाँ पर क्योंकि आर्मी की भी बहुत एस्टैब्लिशमेंट है आपने शायद देखा भी होगा कि एक सौगढ़ द्वार भी है तो सौगढ़ से आगे बदलते इसका नाम सागर पड़ गया. तो सागर झील से पड़ा सौगढ़ से पड़ा पर बहुत ही एक रमणीय स्थान है ये. और सागर को स्मार्ट सिटी योजना में भी शामिल किया गया है. सागर ज़िले की जो स्थापना हुई 1860 में हुई तो सागर का इतिहास जो शुरू होता है 1660 और करीबन 200 साल बाद 1860 में सागर ज़िले की स्थापना हुई. इसमें 11 जनपद पंचायतें हैं जिसके अंतर्गत 755 ग्राम पंचायतें 10 नगरीय निकाय हैं. सागर के अंतर्गत 6 ज़िले हैं सागर दमोह पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ और निवाड़ी. और आज इस उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
आपके निवेश को और सुगम और सुविधाजनक बनाते हुए इन 6 जिलों में फैसिलिटेशन सेंटर्स भी जो खोले जा रहे हैं उनका भी आज भूमि पूजन और उनका उद्घाटन किया जाएगा। सागर की जो योगदान से उनकी राशि से हुआ था। देवी सज्जनों, आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे और आप सभी की करतल ध्वनि के बीच कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ अति सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, प्रगतिशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मध्य प्रदेश के नवप्रवर्तन के प्रमुख वास्तुकार, जिनके सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अनेक ऊंचाइयों को छू रहा है, उल्लेखनीय प्रगति देख रहा है, अभूतपूर्व बदलाव देख रहा है, उनको हम शत-शत प्रणाम करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः देवी सज्जनों जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, उनका आशीर्वाद हम सभी को, इस प्रदेश को और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हुए इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करते हुए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो पहली बार हमारे साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं। तो हमारे प्रगतिशील और बहुत ही मेटिकुलस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में विश्वास रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में मध्य प्रदेश का योगदान अहम हो, महत्वपूर्ण हो। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं मध्य प्रदेश को एक उद्योग प्रधान राज्य बनाने की तरफ, जिससे हर घर में रोजगार हो और हर जिला में विकास, और इस लक्ष्य को भेदने की तरफ हमारे ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, क्षेत्रीय लोकल संसाधनों उत्पादों को हम बढ़ावा दें और रोजगार के और अवसर उस क्षेत्र में लेके आए। जैसे कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो मध्य प्रदेश शासन की अनुकूल नीतियां और आपके निवेश के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश के सतत न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में हमारे ये कॉन्क्लेव्स हैं और विकास की धारा जो हमारे उज्जैन से शुरू हुई, आगे बढ़ते हुए हम जबलपुर पहुंचे, जबलपुर से ग्वालियर और अब सागर में, और सागर के साथ साथ ये पूरे बुंदेलखंड को ये विकास की यात्रा सिंचित करेगी। तो सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आप इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर, ज्ञान और ज्योति के दीप को प्रज्वलित कर हमारे चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें। इसके साथ साथ मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण से भी निवेदन है, हम जैसे कहते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से कहा है कि सबका साथ चाहिए, सबका प्रयास चाहिए, सरकार अकेले नहीं कर सकती है, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। सभी हमारे प्रमुख नेतागण, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन सभी से निवेदन,
And this is a conclave, ladies and gentlemen, where we not only have the captains and leaders of India participating, but we also have representation from 6 countries. Their delegates present with us. We have the Honorable Ambassador of Mongolia present on the dais, and also the Council General of Thailand. और अब देवी सज्जनों, सबसे पहले उनका आभार सहित स्वागत करते हैं जिनकी सोच, जिनकी मंशा, जिनकी पहल हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और जिनके सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव और प्रगति देख रहा है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। देवी सज्जनों, आप सभी से भी निवेदन है, एक बार आप सभी की तालियों के बीच और फूलों की इस चहकता और महकता के साथ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और स्वागत मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देवी सज्जनों, हमारे सभी मंत्रियों की विशेष नीतियों के कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। श्री चैतन्य कश्यप जी का हार्दिक स्वागत, हमारे माननीय MSME मंत्री। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्याय धर्मस्व विभाग। श्री लाखन पटेल जी का पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और श्री दिलीप अहिरवाल जी का माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग। हमारे सेक्टोरल सेशंस में भी आप हमारे माननीय मंत्रीगण को सुनेंगे जो हमारे सरकार की नीतियां हैं। और विशेष रूप से आभार और स्वागत वीवी शर्मा जी का। स्वागत श्री गोपाल भार्गव जी का। भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और देवी सज्जनों, अब प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जो न केवल सागर और बुंदेलखंड की औद्योगिक क्षमता का दोहन करती है पर साथ साथ उन अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज का, नीतियों का, इनिशिएटिव्स को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और इसी दिशा में हर कदम एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में इस राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। आज ये राज्य भारत के सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में से एक है और निवेशकों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। 112 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र,
7 स्मार्ट सिटी, 14 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को लगातार नया आयाम दे रहे हैं। यहाँ की औद्योगिक नीति उद्योगों के लिए लाभकारी वातावरण में व्यवसाय की राह को अत्यधिक आसान बना दिया है। सरप्लस पावर, प्रचुर जल संसाधन, विशाल लैंड बैंक, सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं नो मैंडेज लॉस जैसी अनूठी सुविधाएं मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श बनाती है। प्रदेश का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 5,00,000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का व्यापक नेटवर्क, रेल नेटवर्क प्रदेश को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता है। 5 प्रमुख एयरपोर्ट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और जबलपुर नए व्यापारिक अवसरों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ के 2 ज्योतिर्लिंग, 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 12 नेशनल पार्क लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट भी कहा जाता है। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में भी ये राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र एवं डिजिटल युग के साथ कदम ताल करते हुए आईटी के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश अब वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और तेजी से टेक्सटाइल गारमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, फुटवेयर पार्क, आईटी पार्क्स इत्यादि औद्योगिक पार्क एवं हब्स आकार ले रहे हैं। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के नवाचारों ने यहाँ एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किया है जो राज्य के विकास की नींव है। आज मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। उद्योग के लिए अनुकूल नीतियाँ, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी कार्य प्रणाली ने इसे निवेश के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित स्थान बना दिया है। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभिनव पहल पर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं भारत के प्रमुख शहरों में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं नए रोजगार सृजन हेतु इंटरैक्टिव सत्र इस विकास यात्रा को और गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए तैयार है। आइए 7 और 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिलें और साथ मिलकर भविष्य के नए अवसरों के द्वार खोलें। विकसित भारत एवं विकसित मध्य प्रदेश में अपना सशक्त योगदान दें। तो देवी सज्जनों, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और इसे साकार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कोशिश है कि आपके निवेश को, आपके उद्योगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एक फैसिलिटेटिंग वातावरण आपको दिया जाए जिससे आपका निवेश यहाँ पर सुगम हो, सुविधाजनक हो और साथ साथ आपका निवेश यहाँ पर फायदे का सौदा भी हो। तो अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं हमारी निवेश नीतियों के बारे में और जो संभावनाएं हैं, जिन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं आपके निवेश के प्रति, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। सभी को नमस्कार। बुंदेलखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। ये धरती आल्हा उदल की धरती है, ये धरती महाराज छत्रसाल की धरती है, ये धरती महान शिक्षाविद हरि सिंह गौर की धरती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद और विधायकगण, कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मंगोलिया के राजदूत महोदय, थाईलैंड के महावाणिज्य दूत महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े बिजनेस लीडर्स, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के हमारे बंधुगण, मैं आप सभी का रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव सागर में स्वागत करता हूँ।
मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भविष्य के लिए अपने आप को आज तैयार पाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, और एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, पांचवें नंबर का कंज्यूमर मार्केट पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है, कॉपर, मैग्नीज और डायमंड, कोल, और इसके विषय में हमारे प्रमुख सचिव खनिज और विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सर्वोत्कृष्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत में प्रथम स्थान पे है। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट है। इंदौर ने लगातार स्वच्छता के अवार्ड शहर के रूप में जीता है। मध्य प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से भी 30% से ऊपर यहाँ पे वन क्षेत्र हैं। भारत का करीब करीब 12% से ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और पर्यावरण की दृष्टि को ही और आगे बढ़ाते हुए लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मध्य प्रदेश की कम्पिटिटिवनेस को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आगे लेकर जाता है। GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का विशेष प्रबंध है। करीब करीब 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है। हमारा प्रदेश इस मामले में चूँकि पूरे भारत का हृदय प्रदेश है, तो 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर, अमृतसर कोलकाता, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक वाराणसी मुंबई कॉरिडोर भी प्रपोज हुआ है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और करीब करीब 31,000 मेगावाट की पावर सप्लाई मध्य प्रदेश में है। मेरे प्रदेश में रोड नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बहुत ही शानदार रोड नेटवर्क है। हमारे यहाँ 2 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक नया और प्रारंभ होने जा रहा है। 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रिफर्ड चॉइस इन्वेस्टर्स के बीच में कैसे हो सकता है, इस बात को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। हमारा लैंड बैंक करीब करीब 1,25,000 एकड़ से ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जो लागत लगती है वो कम लगती है, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट पर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। लैंड यूज का चेंज हमारे यहाँ ऑटोमेटिक है और फेसलेस म्यूटेशन का यहाँ पे सिस्टम है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से साइबर तहसील का जो उद्घाटन हुआ और जिस तरह से हमने उस पर काम किया है, उससे ये चीज़ संभव हो पाई है कि अब अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो ऑटोमेटिक आपका म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश जैसा मैंने बताया कि मिनरल्स में बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम कॉपर के हैं, मैग्नीज के हैं, डायमंड केवल मध्य प्रदेश में है। हमारी पॉलिसीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं और 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए कस्टमाइज पैकेज भी हम मध्य प्रदेश में प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा हो और एग्रीकल्चर की चर्चा ना हो, कृषि की चर्चा ना हो, फूड प्रोसेसिंग की चर्चा ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। मध्य प्रदेश चूँकि एक विशाल प्रदेश है, इसमें 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो कि एक वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में लेके आते हैं। मध्य प्रदेश लगातार विनर रहा है कृषि कर्मण अवार्ड का, 7 हमें अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश ऑरेंजेस के, टोमेटोज के, मसालों के, गार्लिक के, चना के और अलग अलग तरह की जो दालें हैं उनके प्रोडक्शन में पूरे भारत में पहले नंबर पे है। सोयाबीन, वीट, मैस, सिट्रस फ्रूट्स और अनियंस, इनके प्रोडक्शन में भारत में दूसरे नंबर पे है। मिलेट्स के प्रोडक्शन में भारत में 5वें नंबर पे है। और जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड में दिखा रहे हैं हम लोग,
कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में है। फूड क्लस्टर पार्क्स हमारे यहाँ हैं, स्पाइस पार्क हमारे यहाँ हैं, फूड पार्क निमरानी खरगोन में है, फूड पार्क नर्मदापुरम में पिपरिया और बाबई में है, भिंड में है, पूरे मध्य प्रदेश में। आप इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मित्रों कि इनकी वजह से ITC, पार्ले एग्रो, डाबर, क्राफ्ट, LT फूड्स, अदानी विलमार और मॉन्डेलेस ने मध्य प्रदेश को चुना है अपने निवेश के लिए। मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के लिए भी लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोल बेड मिथेन, जिसके बारे में तफसील से हमारे माननीय प्रमुख सचिव खनिज बताएंगे, और गैस प्रोडक्शन विंध्यन रीजन में मिला है। हमारे यहाँ एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। हमारे यहाँ प्लास्टिक्स से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से हमारा कंज्यूमर मार्केट काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स इन फील्ड में हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अदानी गैस, थिंक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम, रिलायंस और सभी जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो जर्नी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में शुरू हुई है, मैं उसके बारे में यहाँ पे आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक जो विषमता हमारे विकास में, औद्योगिक विकास किसी एक क्षेत्र में ही रहकर न आगे बढ़े बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसी अवधारणाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव की शुरुआत की थी, और इसके साथ साथ देश में दूसरी जगहों पर जाके नेशनल इंटरेक्टिव सेशंस भी किए थे। हमारे 4 रीजनल इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशंस मुंबई में, कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में और कोलकाता में हुए, और 3 हमारे क्षेत्रीय इंडस्ट्री कन्क्लेव्स उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, और चौथे आज हम लोग यहाँ पे सागर में मौजूद हैं। इन कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ की है। इसमें 2,22,000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट उनके प्रपोजल्स हमें मिले हैं। हमने 59 वर्चुअल इनॉग्रेशंस किए हैं जो हमारे रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव्स में हम लोगों ने किए हैं। 94 जगह पे हम लोगों ने भूमि पूजन किया है, और ये जो सारा कार्य हुआ है इसमें आगे भविष्य में करीब 2,73,000 एस्टिमेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इस बीच में हम लोगों ने करीब 668 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज ने हमें आवेदन किए थे उनके लैंड एलोकेशन के काम भी हो चुके हैं। मैं यहाँ एक बात और विशेष तौर पर शेयर करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा समेकित रूप से जो प्रयास किए गए, सभी पहलुओं पे जो विचार किए गए, उसकी वजह से अभी हाल में लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट के दर के हिसाब से देखें तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट केवल 0.5% है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 2.8% है, और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 1% है। और ये पूरे देश में हम इस मामले में सबसे आगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टेट हैं। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली है, और इसमें हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रखा है। हम प्लांट और मशीनरी में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके 40% तक हम आपको सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस के तौर पे। कैपिटल सब्सिडी में हम कुछ आपको गुणक मल्टीप्लायर्स देते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम लगभग 50% और एडिशनल सब्सिडी हम आपको दे सकते हैं। 20% की एडिशनल सब्सिडी अगर आप व्यापार एक्सपोर्ट्स में हैं तो हम आपको दे सकते हैं। एडिशनल सब्सिडी अगर आप कम औद्योगिक क्षेत्र वाले जगहों पे जाएंगे तो 20% की एडिशनल सब्सिडी वहाँ भी मिल सकती है। हम आपको पावर की सब्सिडी देते हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सब्सिडी देते हैं, जिसमें कि ETP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ज़ीरो लिक्विड पर डिस्चार्ज की बात है। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए हम लोग आपको और प्रोग्रेसिव होकर सब्सिडी देते हैं,
जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम एडिशनल 50% की कैपिटल सब्सिडी आपको मुहैया कराते हैं। हम टेक्सटाइल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए वहाँ पे हमने इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान रखा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग इंसेंटिव्स देते हैं हम गारमेंट इंडस्ट्री को। हमारी मध्य प्रदेश में सेक्टर स्पेसिफिक और जो पॉलिसीज़ हैं और ख़ासकर हाई ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाले सेक्टर्स में, जिसमें कि आईटी, आईटीएस, सीएसडीएम, डेटा सेंटर, आईटी पार्क्स, डेवलपर्स, इसके बारे में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे साहब और विस्तार से बताएंगे, जहां कैपिटल सब्सिडी, पावर सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे पास लैंड सब्सिडी, पावर सब्सिडी और दूसरी तरह के कंसेशनल रेट पे लैंड देने की व्हीलिंग चार्जेस वगैरह के बारे में छूट हम देते हैं। मध्य प्रदेश का जो लेबर का डायनेमिक्स है, श्रम से जुड़े हुए क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पूरे देश भर में बहुत ही शानदार नवाचार किया है। हम पूरे देश में पहले ऐसे राज्य हैं जहां पे लेबर के इस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे यहां 43% जनता वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। हमारे यहां शून्य मानव दिवस का नुकसान होता है लेबर के कारणों से और बहुत ही शानदार वर्किंग एनवायरनमेंट है। हमारे यहां हमारी बहनें फीमेल वर्कर्स 24 घंटे सातों दिन काम बड़े आराम से कर सकती हैं। और सुधारों की दिशा में एक बहुत ही शानदार कदम उठाते हुए, जो अलग अलग तरह के मल्टीपल रजिस्टर्स और अलग अलग तरह के रिटर्न्स भरने पड़ते थे लेबर लॉज के तहत, उसको 16 से घटा के 1 कर दिया गया है। अब अगर मैं सागर डिवीज़न की बात करूं, तो सागर डिवीज़न में सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह, यहाँ पे जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जहाँ पे काम भी हो रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, माइनिंग और सीमेंट में, केमिकल्स में काम हो रहा है, हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स भारत पेट्रोलियम, जेके सीमेंट, आरएसपीएल, ओस्तवाल, हाइडलबर्ग सीमेंट और विंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को मध्य प्रदेश ने पूरी तरह से आत्मसात किया है और ये जो अलग अलग ज़िले हैं उनमें जिलों में आइडेंटिफाई किया गया है जिंजर को, आंवला को, चना को, वुडन फर्नीचर और फार्म इक्विपमेंट, इनको हमें आइडेंटिफाई हमने किया है। करीब 113 करोड़ का ODOP का एक्सपोर्ट 2023 में किया गया है और जैसा कि इस क्षेत्र में मिनरल रिसोर्सेज और फूड ग्रेन प्रोडक्शन की असीम संभावनाएं हैं, तो उस विचार से इन निवेशकों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरफ विशेष ध्यान दें। सागर डिवीज़न में एंसिलरीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए विशेष तौर पर ज़बरदस्त संभावनाएँ हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो 50,000 करोड़ से ऊपर की एक इंडस्ट्री है, 1,000 करोड़ से ऊपर की 3 हैं, 10 से 50 करोड़ की 6 हैं, 1 से 10 करोड़ की 81 इंडस्ट्रीज़ हैं, कुल इस तरह से करीब 371 इंडस्ट्रीज़ हैं। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में मीडियम, स्मॉल और माइक्रो स्केल की इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी विस्तार से यहाँ पे बताया गया है और आप देखेंगे कि सागर में करीब MSME सेक्टर की 35,608 की, दमोह में 13,272 की, पन्ना में 9,212 की, छतरपुर में 19,610 की, टीकमगढ़ में 9,734 और निवाड़ी में 2,488। और इसका पाई चार्ट आप देखेंगे कि अलग अलग जिलों में मीडियम, स्मॉल और माइक्रो में किस तरह की प्रेजेंस है हमारी। मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम के बड़े निवेश के बाद में प्लास्टिक और इसके लाइट सेक्टर्स में काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं और मैं निवेशकों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा। लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यहाँ पर प्रोडक्शन होना है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉली प्रोपिलीन और एरोमेटिक्स इनका यहाँ पे प्रोडक्शन होना है और ये हमने इसमें मेंशन किया है कि ये कैरियर बैग्स में, फिर उसके बाद से कंटेनर्स में, वाटर और केमिकल स्टोरेज में, अलग अलग जगहों पे इनका डक्ट्स में, पाइप्स में, वुमेन सेक्स के फाइबर्स में, बहुत तरह के इसके उपयोग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ इस क्षेत्र में है। मैं निवेशकों का ध्यान इस तरफ ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 7 और 8 फरवरी 2025 का दिन ज़रूर ध्यान दें और अंत में बस केवल एक बात कह, मैं अपनी तरफ से कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मध्य प्रदेश बेहतर है, विश्वसनीय भी है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ पे सुकून है, आइए, आपका इंतज़ार है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश अपने बुनियादी ढांचे, अपनी अनुकूल नीतियाँ, प्रतिभा पूल, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक सतत और समावेशी विकास के मॉडल के रूप में खड़ा है। तो अब आपको सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशंस देते हैं, और सबसे पहले आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम सेक्टर। मध्य प्रदेश की कोशिश है कि मध्य प्रदेश आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बने, और इसकी तरफ आईटी की नीतियाँ और जो अनेक संभावनाएँ आपके निवेश की तरफ, विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संजय दुबे जी को, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण, मंच के समक्ष विराजित अत्यंत प्रगतिशील अतिथिगण, बहनों और भाइयों, मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश में आईटी और आईटीएस से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। लेकिन मेरी मान्यता है कि आने वाले समय में किसी प्रदेश की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि वहाँ पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट आईटी और आईटीएस सेक्टर में आ रहा है, और ये प्रगति बड़े शहर निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि मध्यम टीयर टू और टीयर थ्री श्रेणी के शहर ही इसको निर्धारित करेंगे। और मैं आपके सामने ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश क्यों इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थल है आईटी और आईटीएस के लिए। हम किसी भी आईटी और आईटीएस सेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे उद्यमी कहते हैं कि हमें एक वाइब्रेंट टेक्निकल इकोसिस्टम चाहिए होता है। उसका मतलब यह है कि वहाँ टेक्निकली इम्पॉर्टेंट स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योरल कल्चर होना चाहिए यानी कि क्षमता होनी चाहिए निर्णय लेने की, अपने खुद के व्यवसाय को लगाने की, शासन की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे व्यवसाय को चुनौती मिल सके, और साथ ही उसमें रिस्क न्यूनतम होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है जिससे कि वहाँ पर जो स्किल्ड मैन पावर आए वो ये सुनिश्चित कर सके कि उसको सुविधाजनक तरीके से अपने घर में और अन्य स्थानों में देश के जाने आने में तकलीफ ना हो, और अंत में ईज ऑफ लिविंग और वर्क लाइफ बैलेंस का अनुपात समान होना चाहिए। अन्यथा बड़े शहरों में हम कई बार देखते हैं कि लोग ट्रांसपोर्टेशन में, ऑफिस से आने जाने में ही लगभग 2 घंटे जाना और 2 घंटे आने में व्यर्थ खराब करते हैं। इसलिए अगर बैलेंस लाइफ हो, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो निश्चित रूप से उपयुक्त है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश इन सब चीज़ों में अग्रणी है। बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 2000 कंपनी हैं जो मध्य प्रदेश में आईटी और आईटीएस से संबंधित व्यवसाय कर रही हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए क्योंकि सामान्यतः हमारी ये धारणा और मान्यता है कि मध्य प्रदेश में आईटी से संबंधित इतना सारा व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। उसमें से करीब 650 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं आईटी आईटीएस की जिसको शासन ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया है, जो कि MP SEDC से रजिस्टर्ड हैं, यानी कि अभी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो इसका लाभ शासन की नीतियों का ले सकते हैं। लगभग ये कंपनियां 10,000 करोड़ का व्यवसाय प्रतिवर्ष करती हैं, 10,000 करोड़ का। और अगर इसमें से देखें तो 50 सबसे बड़ी कंपनी जो देश में हैं वो सब मध्य प्रदेश में हैं। चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, वो इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में हैं। और मैं आपको आज यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सागर की एक कंपनी है सर जो एनिमेशन में काम करती है, वो देश के किसी कंपनी के लिए काम नहीं करती, वो हॉलीवुड के लिए एनिमेशन और गूगल बनाती है सर। D2D के यहाँ पर संस्थापक भी हैं। सागर में वो कंपनी है जो हॉलीवुड मूवीज के लिए एनिमेशन, बाहुबली जैसी मूवी या जैसे कहते हैं अवतार जैसी मूवी के लिए वो बनाते हैं। संभावनाएं बहुत सारी हैं, हमें ये बताने की जरूरत है कि वास्तव में कहां से हम कर सकते हैं। और लगभग $500 मिलियन का प्रतिवर्ष हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आईटी और आईटीएस से संबंधित। अगर आप इसको देखें कि मध्य प्रदेश क्यों उपयोगी है और क्यों इस तरह से काम कर सकता है, लगभग 5 ITSEZs हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में,
15 से ज्यादा आईटी पार्क राज्य शासन के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हम सुविधाएं सभी देते हैं, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे आईटी पार्क्स खुद व्यवसायियों द्वारा बनाए गए, जहां पर 5,000 से लेकर 50,000 और 2,00,000 स्क्वायर फीट तक के पार्क्स बनाकर रखे गए हैं। लगभग 1,50,000 का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 3,00,000 का है, और इसमें सभी मेजर आईटी कंपनीज हैं। टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर की अगर हम बात करें तो 300 कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 50,000 ग्रेजुएट केवल आईटी और आईटीएस से संबंधित निकलते हैं, यानी कि वो क्षमता वो उपलब्धता है जो यहाँ व्यवसायी चाहते हैं। और यहाँ पर बॉम्बे के अलावा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक ही शहर में आईटी और आईआईएम दोनों हैं। इंदौर में आईआईटी और आईआईएम है, ग्वालियर में ट्रिपल आईटी डीएम है, जबलपुर में ट्रिपल आईटी डीएम है, और ये केंद्र शासन की और राज्य शासन की एक संयुक्त माध्यम से आईटी से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज है। सर मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर में एक स्टार्टअप है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्टार्टअप है, जिसने ड्रोन की मोटर बनाई है। ड्रोन की मोटर अभी इम्पोर्ट होती है चाइना से, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये है, और वो जो मोटर बनाई है वो केवल 1,500 रुपये में बना रहा है। हमारे यहाँ के उद्यमी बच्चे ने आईटीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए वो ड्रोन मोटर, अनूप राठौर उनका नाम है, ग्वालियर में रहते हैं, स्टार्टअप चालू किया है। मैंने खुद जाकर के उसको देखा है, और उनको है, जब अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब कलकत्ता गए थे, वहाँ एक उद्यमी से हमारी बात हुई, उसने कहा 50,000 ड्रोन की तो ऑर्डर मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तरह के उद्यमी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मैं समझता हूं कि जो क्षमता सागर में बुंदेलखंड में है, और मुझे आज बताते हुए गर्व है कि मेरा जन्म भी बुंदेलखंड में सागर में ही हुआ है, तो ये मेरी माटी है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा उद्यम एकत्रित कर सके तो अच्छा होगा। आईटी और आईटीएस पॉलिसी है, एमपी स्टार्टअप पॉलिसी है, जिसके तहत हम बहुत सारे सुविधाएं देते हैं, और वो सुविधाएं क्या हैं वो भी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर रिस्क लगभग नगण्य है, लेबर लॉस आपको जो 16 रजिस्टर रखने होते थे अब केवल एक रजिस्टर रखने की आवश्यकता है। आपके पास ये पूरी सुविधा है कि आप अपनी वेजेस, जो आपके उद्यमी आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी वेजेस आप डिफाइन करें उनकी क्षमता के अनुसार। यहाँ पर लगभग लेबर डिस्प्यूट्स नगण्य हैं, और सबसे अच्छी बात है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पर आप सब हम जानते हैं, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इंदौर निरंतर क्लीनेस्ट सिटी 7 बार रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 2nd क्लीनेस्ट सिटी है, पूरा प्रदेश 2nd, पूरे ऐसे देश में एक प्रदेश के रूप में 2nd स्टेज पर है स्वच्छता के मामले में, और सबसे ज़्यादा वायु और जल प्रदूषण नगण्य है। हम लगभग 1200 टेक्निकोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जिन पर काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें से 2 ऐसी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन से ज्यादा जिनका मान वैल्यूएशन हो गया है, 2 मध्य प्रदेश की ऐसी स्थापित कंपनियां स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा, $1,000 करोड़ से ज्यादा का वो है, और हम सुविधाएं देते हैं प्लग एंड प्ले की। अगर हम नीति की बात करें, आईटी आईटीएस नीति की बात करें, तो पहले ये माना जाता था कि आईटी एक है, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीति को इस तरह से निर्धारित किया है कि अब हर तरह के इंसेंटिव्स उपलब्ध हैं, जो फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, उसके बाद नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, डेवलपर्स को इंसेंटिव्स दिए हैं, रेंटल इंसेंटिव्स है, लैंड रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेवर है, पूरी तरीके से वेव्ड ऑफ है, कैपेक्स और इंटरेस्ट सब्सिडी है, सर्टिफिकेशन पेटेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ पावर इंसेंटिव्स हैं डेटा सेंटर्स के लिए। अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं तो हम लगभग 75% भूमि पर आपको रिबेट देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं, इंटरेस्ट असिस्टेंस का लगभग 6% के आसपास देते हैं, और डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है। जैसे डेटा सेंटर अगर आपको लगाने हैं, और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आने वाले समय में संभवतः मध्य प्रदेश में सागर में सबसे बड़ा देश का डेटा सेंटर आपके सामने होगा। यहाँ पर एक उद्यमी है, मिस्टर संधु जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि सागर सबसे मुफीद जगह है, सबसे उपयोगी जगह है जहां पर यह कार्रवाई की जाना संभव है। अगर आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर आईटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और 100 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं तो 30 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन विभिन्न सब्सिडीज के माध्यम से वापस करता है। अगर आप डेटा सेंटर्स लगाते हैं तो 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 50 करोड़ रुपए का वापसी के राज्य शासन के द्वारा आपको की जाती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से।
अगर आप ESDM यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ सामान बनाते हैं तो 100 करोड़ के खर्च पर 25 करोड़ रुपए आपको केंद्र सरकार देती है और उसके बाद 34 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन उपलब्ध कराता है। और अगर आप डेवलपर हैं, आप IT इंडस्ट्री नहीं है लेकिन आप बिल्डिंग बना करके IT इंडस्ट्री को इन्वाइट करते हैं तो वहां पर भी आपको 100 करोड़ पर 27 करोड़ रुपए का व्यय है। यानी कि रियल एस्टेट में जो लोग हैं जो बिल्डिंग्स बना करके IT इंडस्ट्रीज को लाना चाहते हैं वहां भी राज्य शासन आपको सुविधाएं देता है। और ये सुविधाएं सीमित नहीं है, ये असीमित सुविधाएं हैं। अगर आपका व्यवसाय में 200 करोड़ 300 करोड़ या 500 करोड़ का खर्च है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो ये निश्चित करती है कि आपको इसके अतिरिक्त और क्या लाभ दिए जाएं जिससे आप उद्यमी हो करके इसका लाभ उठा सकें। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको बहुत सारे फिस्कल इंसेंटिव्स के साथ में नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट करने की व्यवस्था है, आपको ओपन टेंडर के माध्यम से आना है तो उसकी व्यवस्था है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको अगर कोई रेंटल स्पेस लेनी है तो उसकी व्यवस्था है। और साथ ही साथ MPSEDC अब आपकी, अगर आप केवल चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बिल्डिंग बना करके हमको किराए पर दी जाए तो उसकी सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। इतनी सारी सुविधाएं देश में किसी भी अन्य राज्य के द्वारा IT और ITS सेक्टर के लिए नहीं दी जाती हैं। और अंत में सागर क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए, अगर आप देखें सागर से बहुत पूरे मध्य प्रदेश से ही अगर देखें तो लगभग 40 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, यानी कि हम देश के किसी भी स्थान पर जाने आने के लिए बड़ी सुविधाजनक तरीके से जुड़े हुए हैं। 7 एयरपोर्ट हैं और अगर सागर को केंद्र करके देखें तो यहाँ से 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी स्थान पर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और अंत में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है वो है ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता, यानी कि अगर IT ITS इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट्स के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो राज्य शासन उपलब्ध करा रहा है और मुहैया करा रहा है। आप अगर सागर को केंद्र माने, और सागर का मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र को केंद्र माने, और अगर 500 किलोमीटर का एरिया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप देश की लगभग आधी आबादी को कवर करते हैं केवल 500 किलोमीटर में। और अगर 800 किलोमीटर में करते हैं तो आप 3/4 से ज्यादा की आबादी कवर करते हैं, यानी कि आप 10 घंटे के अंदर ओवरनाइट ट्रैवल करके आप देश के किसी भी कोने में सागर से पहुंच सकते हैं। ये उपलब्धता किसी और प्रदेश के द्वारा नहीं दी जाती। आप अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें जो IT और ITS इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, डेटा सेंटर के लिए जरूरी है, वहां पर यहां पर मध्य प्रदेश भगवान की धरा से, यहां पर अर्थक्वेक नहीं आते हैं, यहां पर फ्लड्स नहीं होते हैं, यहां पर साइक्लोन नहीं होते हैं, इसलिए नेचुरल डिजास्टर के दृष्टिकोण से डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी सेंटर के लिए मध्य प्रदेश सबसे अच्छी और उच्च जगह मानी जाती है। और इसी कारण से वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि IT ITS इंडस्ट्री के लिए, BPOs के लिए, सेंटर्स के लिए बुंदेलखंड और सागर बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे और ऐसे जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऑडियो विजुअल इसके साथ में एनिमेशन गेमिंग की बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है, बहुत लोगों की रुचि भी है। और कोशिश यही है कि लगभग 90 से ज़्यादा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से हम लोगों को सुविधा कर सकें। अगर हम ध्यान दें ESDM के दृष्टिकोण से तो डिफेंस कॉरिडोर के हम बहुत नज़दीक हैं, लगभग हम वहीं पर हैं जहाँ डिफेंस कॉरिडोर है, और डिफेंस में PCB चिप्स और इन सब का निर्माण का बहुत बड़ा उपयोग झांसी आगरा के बीच में और उधर महोबा और चित्रकूट के पास में है। तो ये एक क्रक्स और ये एपिसेंटर है जिसके माध्यम से हम ESDM इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। डेटा सेंटर के लिए जैसा मैंने बताया ये बहुत ही उपयोगी जगह है, हम यहाँ पर बहुत सारी जमीन उपलब्ध है राज्य शासन के पास, रिलायबल पावर उपलब्ध है, सिस्मिकली बड़ा ही स्टेबल स्थान है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की है ये आपके लिए आह्वान है कि आप आएं, IT ITS और ESDM सेक्टर में अपना योगदान दें, और सागर में जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके स्थापित करने के लिए सागर की स्मार्ट सिटी ने ये सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, स्टार्टअप पार्क दिया हुआ है जहां पर आपको बहुत ही न्यूनतम दरों पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं जो लोग भी यहां पर हैं, जो इन्वेस्टर्स यहां पर हैं, वो सागर के बारे में, सागर के आसपास के क्षेत्र के बारे में बहुत संजीदगी से विचार करें और देखें कि वास्तव में यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध राज्य शासन करा रहा है उसके माध्यम से आप अपना विकास और देश का विकास कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि इस एक्साइटिंग जर्नी का पार्ट बनिए, और हमारा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो आया सो वापस आया, यानी कि जो एक बार मध्य प्रदेश की धरा को देख लेता है वो वापस निश्चित रूप से उसके बारे में तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद यकीनन वापस आएंगे और यकीनन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो है हमारा माइनिंग सेक्टर। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए वहाँ पर उपलब्ध जो खनिज पदार्थ हैं उसका अपना महत्व होता है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश देश का चौथा खनिज समृद्ध राज्य है। तो कुदरत द्वारा दिए गए इस सौगात, इस आशीर्वाद का दोहन करते हुए मध्य प्रदेश की सेक्टर में भी अग्रणी नीतियां हैं और आपके निवेश की तरफ अनंत संभावनाएं। इसके ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री संजय शुक्ला जी को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय मंच, समय की कमी है इसलिए मैं अपने विषय पे सीधा प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सागर और इसके आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में खनन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आप इनसे परिचित भी हैं, फिर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, क्योंकि कई हमारे मेहमान पहली बार आए हैं या उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके ध्यान में इसको लाना चाहूँगा। तो हम संक्षेप में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है राष्ट्रीय माइनिंग के क्षेत्र में उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या हमारे खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और किस प्रकार इसमें निवेश की, रोजगार की और विकास की संभावनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोयले में हम पूरे देश का 8% कोयला हमारे पास है और लगभग 16% हम कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। लाइमस्टोन है जिससे सीमेंट बनता है, उसमें देश के 9% लगभग दसवां हिस्सा हमारे पास है और 15% का हम उत्पादन कर रहे हैं अभी। आयरन ओर हमारे पास थोड़ा कम है लेकिन उसमें भी हमारे जो उपलब्धता है हम उसका पूरा दोहन कर रहे हैं। पर इसके बाद जो दो तीन और बहुत ही क्रिटिकल मेटल हैं, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, इसमें हम देश में बहुत ऊपर हैं। और हम देखेंगे कॉपर में पूरे देश का 3/4 कॉपर हमारे पास है, 73%, और उसमें हम 66% हमारा योगदान है देश के उत्पादन में। मैंगनीज में हम 1/4 मैंगनीज देश का हमारे पास है और उसमें भी लगभग 1/3 उत्पादन भी हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जो रॉक फॉस्फेट है जिससे फर्टिलाइजर खाद बनता है, उसमें हम देश का 29% हमारे पास भंडार है और 26% हम उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कॉपर, मैंगनीज और डायमंड, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से पास में पन्ना है और पन्ना के आसपास के क्षेत्र में डायमंड की बहुत संभावनाएं हैं, धीरे धीरे उनकी जानकारी आ रही है। इनमें हम देश में नंबर 1 हैं, रॉक फॉस्फेट में हम नंबर 2 हैं और लाइमस्टोन में हम नंबर 3 हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो राष्ट्रीय रणनीतिक सुरक्षा के लिए और बहुत ही क्रिटिकल जो उत्पाद होते हैं उनमें लगते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम है, रेयर अर्थ मेटल हैं, इनमें भी हम देश में अच्छा स्थान रखते हैं। अब इसको हम, चूंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा राज्य है, तो इसमें हम अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिम में हमारे झाबुआ और अलीराजपुर से लेकर जहां रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, फिर हम उससे और आगे आते हैं तो नीमच है, धार है, यहां भी काफ़ी हमारे पास लाइमस्टोन है। हम अगर महाराष्ट्र बॉर्डर पर देखें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में कोयला है, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लेड, मैगनीज,
लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ये सब पदार्थ हैं। और पूर्वी क्षेत्र में जो हमारे ज़िले हैं, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इन सब में हमारे पास कोयला है, कोल बेड, मिथेन है, बॉक्साइट है, अन्य पदार्थ हैं। और अंत में हम सागर और सागर के आसपास के जिलों में देखते हैं तो हमारे पास डायमंड है, रॉक फॉस्फेट है, डायस्पोर, पायरोफाइलाइट, आयरन और ग्रेनाइट इत्यादि हमारे पास पदार्थ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो भी बिजनेस में रुचि रखते हैं उनके मन में ये रहना चाहिए कि इतने बड़े राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी हमारे पास समृद्ध संसाधन हैं। सतना, रीवा और सीधी पूरे देश में सीमेंट उत्पादन के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं। सिंगरौली में पूरे देश का लगभग 10-12% बिजली का उत्पादन होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब उद्योगों के संवर्धन में, उद्योगों के विकास में हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी ताकत है? सबसे पहला है हमारे पास संसाधन भरपूर हैं। दूसरा है कि राज्य की नीतियां जो हैं वो अनुकूल है, आप निवेश करेंगे तो आपको सभी प्रकार के इंसेंटिव, जमीन, अन्य प्रकार के सहयोग ये दिए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स के बारे में हमारे पहले ये बात बताई जा चुकी है, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। मध्य प्रदेश सभी दिशाओं से अच्छी तरह कनेक्टेड है, ट्रेन लाइन, अच्छा रोड नेटवर्क है, नेशनल हाईवे का काफ़ी जाल बिछा है और यहाँ से समुद्र तट पर पहुँचाने का भी साधन है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पहले से एमपी में बहुत सारी लगी हुई हैं, इस प्रकार से यहाँ इकोसिस्टम है और किसी भी नए उद्योग को लगाने में आपको तकनीकी मैन पावर चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध है। और निरंतर यहाँ के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से स्किल मैन पावर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। बिजली की यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, पानी की कोई कमी नहीं है और ज़मीन की भी कोई कमी नहीं है। अब हम कुछ सेक्टर पे उदाहरण के तौर पे नज़र डाल रहे हैं, जैसे कोयला और उससे होने वाली बिजली। ये निरंतर हम लोग इस पे बढ़ रहे हैं, उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है और देश की कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रही है, अर्थात सभी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं। और आप जिन जिलों के नाम हमने बताए हैं, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये सब आसपास के जिले हैं जहाँ पे ये सब काम चल रहा है। दूसरा, हम सीमेंट में एक बहुत ही मजबूत शक्ति का केंद्र हैं और अभी हाल में पन्ना में ही एक बहुत बड़ा जेके का सीमेंट प्लांट लगा है। इसके अलावा सतना में, रीवा में, दमोह में, जबलपुर, कटनी में, सब जगहों पे सीमेंट के नए नए प्लांट आ रहे हैं, पुट्टी के नए प्लांट आ रहे हैं, पेंट के प्लांट आ रहे हैं और इन सब की हमने सूची बताई है, JSW सीमेंट, अडानी, ACC, अल्ट्राटेक, JK, ये सब डिटेल हैं। नीचे उन कंपनियों के नाम और हमने लोगो भी लिखे हैं ताकि उन लोगों से हमें याद रहता है कि सब कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, हमारा जो पड़ोस का जिला है दमोह, उसके हटा क्षेत्र में जो सबसे पहली लाइन लिखी है ONGC 462 स्क्वायर किलोमीटर दमोह छतरपुर। मैं आपको बताने में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि हटा में बहुत बड़ा रिजर्व मिला है और ONGC ने भारत सरकार के DGH को अपना डिटेल प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ही उसकी अनुमति मिल जाएगी। इससे हटा और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़े मात्रा में औद्योगिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू होंगी और उसका हमको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो नीचे हमने दिए हैं उसमें 2000, 3000 इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दमोह, पन्ना, छतरपुर, पन्ना, सतना, छतरपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, ये 2-3 जिलों के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि धरती के अंदर जो रिजर्व होता है वो एक अपने प्राकृतिक रूप से बिखरा होता है तो कई जिलों को मिलकर के ये क्षेत्र बनता है, इसलिए हमने इनके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा जो अन्य मिनरल है, जैसे मैंगनीज हैं, मैंगनीज का उपयोग एलॉय बनाने में, स्टील के उत्पादन में, मेटलर्जी में काफ़ी होता है। हमारा बालाघाट इसका बहुत बड़ा एक सेंटर है और बालाघाट के आसपास कई नए उद्योग जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से हैं, जो हमारे यहाँ इंटरेस्टेड हैं और हम उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं।
कॉपर में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम नंबर वन है इंडिया में, और इसके प्रोसेसिंग की क्षमता हमको यहाँ बढ़ानी है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डायमंड के बारे में बात हो चुकी है, डायमंड में अनंत संभावनाएं हैं और धीरे धीरे इनके बारे में विकास हो रहा है। ग्रेफाइट में ये एक नया एलिमेंट है जो बहुत तेजी से इसकी उपयोगिता बढ़ रही है, और गाड़ियों के क्षेत्र में विशेषकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इनके बिना कोई काम नहीं होता। तो ग्रेफाइट में हम लोगों के पास नए रिजर्व मिले हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बैतूल, सीधी और रिसेंटली अलीराजपुर में एक बड़ा रिजर्व मिला है। ऐसे ही रॉक फॉस्फेट है, आपके सागर में ही एक प्लांट है बंडा के पास, और नए रिजर्व मिले हैं, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। पाइरोफाइलाइट है, इनका उपयोग पेंट और प्लास्टिक में काफ़ी होता है, उसकी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएँ हैं। ग्रेनाइट और मार्बल और फ्लैगस्टोन, ये तीन ऐसे पत्थर हैं जिसमें छतरपुर और छतरपुर के आसपास टीकमगढ़ वगैरह में ये काफ़ी मिलता है। यहाँ से दिल्ली, NCR और UP और अन्य मुंबई तक यहाँ से पत्थर जा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इन पत्थर में हम वैल्यू एडिशन करें, कि इनके हम तरह तरह के टाइल्स, तरह तरह के उपयोग के इनके अलग अलग साइज के हम बनाएं, जिससे कि यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो, और जो चीज़ हम आज 100 रुपये की बेचते हैं वो हम 200-300 की बेच सके, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, ये हम बता रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ पे हमारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। इन सब जिलों में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड और प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज, हमारी स्टेट माइनिंग एजेंसी, ये सब काम कर रही है। इसमें उनके नाम लिखे हैं और जिलों के हम नाम बता रहे हैं। ये भी स्लाइड दिखाने में हमें गर्व है कि अभी आज की तारीख में पूरे देश में, ये भारत सरकार की जानकारी है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमारे यहाँ चल रहा है MP में। वी आर नंबर वन इन एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग एंड मिनरल रिसोर्सेज, और देश की सारी एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है। कोल ब्लॉक में भी हमारे बिड्स लगे हुए हैं, ये हम आपको डेट बता रहे हैं कि इन डेट्स को इनके टेंडर लगे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं भी इसमें देखें, रुचि लें, और अपने दोस्तों को बताएं कि इतनी संभावनाएं हैं MP में, और वो बिड में शामिल हों और वो एक्सप्लोरेशन में और माइनिंग में इस कार्य में जुड़े। ये भी एक महत्वपूर्ण स्लाइड है जो हमारी संभावनाओं को बताती है कि इन जिलों में इस प्रकार के मिनरल की नीलामी अभी चल रही है, और ये डेट्स हैं जिसमें टेंडर लगे हैं। आप इसमें टेंडर में शामिल हो सकते हैं, आपकी दूसरी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप बताएं कि वो भी इसमें शामिल हों। ये उनके नाम है, हम इसलिए डिटेल बता रहे हैं ताकि ये हम सर्कुलेट भी करेंगे तो आपको जानकारी पूरी हम दे सकें इसकी। सपोर्ट के बारे में मैंने कहा है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, कि हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, राज्य शासन सभी प्रकार के NOC लेने में आपको सहयोग करती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो, चाहे अन्य प्रकार के सुविधाएं हो, जमीन की बात हो, सभी डिपार्टमेंट से माइनिंग और उद्योग विभाग मिल करके फॉलोअप करते हैं ताकि आपको समय पर सारी अनुमतियां मिल जाएं। ये हमें जो भारत ने अपनी संज्ञा का एक उल्लेख है, ये सब बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, आप में कुछ लोग इनके भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आपको इसकी जानकारी है, ये सब बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं। और अगले महीने 17-18 अक्टूबर को देश की सभी माइनिंग सेक्टर की कंपनियां भोपाल में जुटेंगी, उनका समागम होगा, वहाँ पे भी आप आएँ, और आपको पहला दिन वहाँ पे तकनीकी सेशन होगा जिसमें ये बताया जाएगा, माइनिंग सेक्टर का जो नॉलेज शेयरिंग है वो होगा, और दूसरे दिन जो बिजनेस की संभावनाएं हैं वो उसमें हम बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला सेक्टर है टूरिज्म, और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने किलों महलों के लिए, अपने संगीत विरासत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, और इन सभी के साथ नेचर लवर्स के लिए, फिल्म वालों के लिए, पर्यटकों के लिए
एक प्रेफर्ड पसंदीदा गंतव्य है। तो यहाँ पर भी आपके निवेश का पक्का यकीनन फायदे का सौदा रहेगा। इस सेक्टर में जो हमारी नीतियाँ हैं और जो संभावनाएं हैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलिया राजा जी को, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर MP टूरिज्म बोर्ड। सभी को नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन सभी अतिथिगण, सभी उद्योगपतिगण, आप सभी को इस सेशन में स्वागत है। और आज की खास बात यह है, आज विश्व पर्यटन दिवस है, उस अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी खुशी की बात है, आज भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के लिए श्रेष्ठ पर्यटन गांव का 3 अवार्ड मिल रही है। अभी इसी टाइम पे हम लोग का 3 अवार्ड हम लोग को मिल रहा है। प्राणपुर का, चंदेरी का फर्स्ट, देश का एक हैंडक्राफ्ट विलेज है। सबरवानी गांव हमारे लाडपुरा का निवाड़ी जिले का है। तीनों विलेज का देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव का ना अवार्ड आज ना मिल रही है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. Spirit is at peace. I seek the divine, and uncertainty I cease. Purity. Passion and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture. My inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, only imagination. फिर बोलते समझ गए तो आठ, नहीं समझे तो मोड़ा ना आठ. आप लोग घूम रहे भेड़ा खा. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे, सब कुछ जो दिल चाहे। भारत का हृदय प्रदेश में आप सबका स्वागत है। हमारे पास हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेजेस है, वाइल्ड लाइफ, वाटर टूरिज्म का ना काफी अपार संभावनाएं है। हमारे पास 24 सेंचुरीज हैं, 12 नेशनल पार्क, 7 टाइगर रिजर्व्स हैं। हम लोग भारत का सबसे ग्रीनेस्ट स्टेट है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में ही है।
हम लोग क्लीनेस्ट स्टेट है। अब इंदौर सातवीं बार स्वच्छता का है ना सिरमौर चोया है, हम क्लीनेस्ट कैपिटल भी है, भोपाल इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल है। हमारे पास 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, सांची भीमबेत का खजुराहो, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में 11 और साइट्स इसी साल टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को ने एक यूनेस्को धरोहर में ना घोषित किया गया है। हमारे पास 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल और ममलेश्वर, इसके धार्मिक पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। जैसे टूरिस्ट विजिट को देखे पर्यटक की संख्या का लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं, पिछले साल के कंपेयर करने में 3.5 करोड़ के अगेंस्ट में 11 करोड़ पर्यटक पिछले साल मध्य प्रदेश में विजिट किए हैं। सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन की स्थलों का विजिट किया गया है, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर की इनाग्रेशन के बाद आपको 5 करोड़ के अधिक धार्मिक पर्यटक विजिट किए हैं। इसी प्रकार मैयर, चित्रकूट, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, ये सभी प्लेसेस में लगातार हम लोग ना सिर्फ मध्य प्रदेश आसपास के क्षेत्र से भी लोग लगातार आ रहे हैं। सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट है, हमारे पास डेडिकेटेड फैसिलिटेशन विंग है, हम लोग लैंड पार्सल हेरिटेज प्रॉपर्टी 90 ईयर्स लीज पे देते हैं ई टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से, और रिजर्व प्राइस है ना फिक्स्ड है। रूरल एरिया में 5 लाख पर हेक्टर है, अर्बन एरिया में 10 लाख पर हेक्टर में हेरिटेज प्रॉपर्टी है। कितने भी हमारी पुरातत्व के किला है, रिजर्व प्राइस सिर्फ 1 लाख पर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग टेंडर करते हैं। उसके लिए मॉर्टगेज करने के लिए आपके पास परमिशन है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी हम लोग रीइंबर्स करते हैं, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी एक फिनेंशियल इंसेंटिव्स आपके पास अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आपको 15-30% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। ये सारे कोई भी आपका होटल हो, वेलनेस रिजॉर्ट हो, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट हो, कन्वेंशन सेंटर है, अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, आपका रोपवे बनाना है, क्रूज टूरिज्म है, गोल्फ कोर्स, आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में प्रावधान है और कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। ये हमारी लैंड पार्सल्स है, मध्य प्रदेश में लैंड का बिल्कुल कमी नहीं है, हम लोग है ना भरपूर 1000 हेक्टेयर हम लोग लैंड आइडेंटिफाई किए हुए हैं रीजनल वाइज, काफ़ी कुछ लगातार इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अलाट भी किया जा रहा है। अभी तक इस पॉलिसी के अंदर 3,850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, उसमें 206 करोड़ हम लोग कैपिटल सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सबसे अहम भूमिका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की रूम कीज निभाती है, अभी तक 7,151 रूम्स इस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने निर्माण किए हैं। सारे ब्रांड्स मध्य प्रदेश में अभी आ रही है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की वजह से, ताज, भोपालो, रेडिसन, मैरियट, ये सभी का इस टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने बेनिफिट्स दिए हैं। ये सारे हमारी की प्लेयर्स हैं, रमाडा ग्रुप से लेकर ललित, ताज सफारीज, ताज का इवन बजट होटल ग्रुप जिंजर, ये सभी लोगों के हमारी स्टेट में उपस्थित हैं। जैसे आप रीजन वाइज देख सकते हैं किन किन बड़े ब्रांड्स हमारे पास ऑलरेडी इन इन सिटीज में ऑलरेडी अवेलेबल है, लगातार दूसरे सिटीज में जा रहे हैं, रीवा, सागर, उज्जैन में, ये अपकमिंग हमारा ब्रांड्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं रेडिसन अभी जबलपुर, उज्जैन, रीवा में अपना है ना एक ब्रांडेड होटल बनाया जा रहा है, हयात भोपाल में आ रहा है, आपका मांडू में ऑरेंज काउंटी है, ITC का वेलकम ग्रुप है वो मांडू में आ रहा है, आपका ITC का भोपाल और जबलपुर में एक और है ना प्रॉपर्टीज बनाए जा रहा है। ये हमारी 10 सिटीज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 4 10 सिटीज ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, गांधी सागर, हनुवंतिया, चंदेरी और कुनो, इसमें ऑलरेडी हमारे 10 सिटीज चल रही है। 3 और 10 सिटीज के लिए इस आप लोगों के इन्वेस्टर्स को हम लोग है ना अपील करते हैं, ओरछा, मांडू, तामिया, 3 प्लेसेस में हम लोगों ने लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किए हैं, आप लोग टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी लेकवी भोपाल को हम 7 स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंदौर में हमारे पास लैंड पार्सल अवेलेबल है, कैरावन टूरिज्म एक एमर्जिंग टूरिज्म है, गोल्फ पचमढ़ी में एक नीस टूरिज्म का हमारे पास ऑलरेडी 100 एकर है लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, रोपवेज ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सब्सिडी दिए हैं, और 5 प्रोजेक्ट स्पेशली धार्मिक स्थलों को सुविधा देने के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए अपील किए हैं। हेरिटेज प्रॉपर्टीज आप देख सकेंगे अभी तक 21 में 16 प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी आवंटित कर चुके हैं। राजगढ़ पैलेस है छतरपुर में, ओबराय ग्रुप ने ऑलमोस्ट अपना प्रोजेक्ट है ना कंप्लीट करने वाला है, इसका जल्दी ही इनॉग्रेशन होगा। गोविंदगढ़ पैलेस रीवा भी ऑलमोस्ट है ना कंप्लीट होने वाला है। आप ये देख सकें अभी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 4 और प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा LOI जारी किए हैं। ये अपकमिंग प्रॉपर्टीज हैं, लक्ष्मीपुर पैलेस पन्ना टाइगर रिजर्व में है, मलकाम कोती मांडू में है, आपका मोहनगढ़ फोर्ट टिकमगढ़ में है। ये पांचों प्रॉपर्टीज अभी इन्वेस्टर्स के लिए जल्दी ही है ना एक EOI जारी किया जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में PM श्री वायु पर्यटन योजना चालू हुआ है। हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अदर प्लेसेस में एयरपोर्ट्स आर कमिंग अप, बट ये एक 8 सिटीज का इंट्रा एक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देने के लिए योजना शुरू किए हैं। सारे 7 डेज वीक 8 सिटीज को कवर करते हैं। अभी 68% ऑक्यूपेंसी के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसको मिला है। फिल्म टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश बहुत बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। काफ़ी सारा फिल्म्स यहाँ ना शूट किया गया है। 15 डेज में सभी क्लियरेंस है ना दिया जाता है। कैपिटल सब्सिडी है आपका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25%, मतलब अप टू 2 crore है ना फिल्म मेकिंग के लिए दिया जाता है। सिनेमा हॉल बनाने के लिए आपके ना सब्सिडी है। वेब सीरियस मध्य प्रदेश देश में एक ही स्टेट है, एक अकेला स्टेट है कि वेब सीरीज मध्य प्रदेश में बनाने में ना सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है। मेजर फिल्म्स हैं आप लोगों ने देखे होंगे, Stree 2 अभी अभी रिलीज हुआ है, वो चंदेरी में शूट किया गया था, Stree 1 चंदेरी में शूट किया गया था, लापता लेडीज, फकरी, ये सारे बहुत सारे मूवीज है ना के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश बन रहा है। वेब सीरीज पंचायत सभी लोगों ने देखे होंगे, गुल्लक अगेन सभी लोगों ने देखे होंगे, ये सारे वेब सीरीज मध्य प्रदेश में बनाया गया है। वाटर टूरिज्म में अगेन 22 ऐसे वाटर बॉडीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, आप अप्लाई करेंगे 7 डेज के अंतर्गत आपको सारे क्लियरेंसेस दिया जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट्स को इन्वेस्ट करने के लिए। सेम एडवेंचर पॉलिसी के अंतर्गत कैंपिंग साइट्स हैं, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से विद इन अ वीक इसको भी ना क्लियरेंस किया जाएगा। इन एंड अराउंड सागर में काफ़ी सारा प्लेसेस है, बुंदेलखंड अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है, इधर प्राकृतिक है ना सौंदर्य है, वीरांगना दुर्गावती का है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राघतगढ़ फॉल सभी लोग सागर का देख सकेंगे। इधर यहाँ इस पर्टिकुलर सागर रीजन में भी टिकमगढ़ में खजुराहो में निवाड़ी में दमोह में सभी में इन्वेस्ट करने के लिए ना आप अपार संभावनाएं हैं। मैं इन्वेस्टर को अपील करता हूँ कि मतलब मध्य प्रदेश एक बेस्ट स्टेट है टूरिज्म सेक्टर में, जैसे अभी PSR ने बताया मध्य प्रदेश में जो आया सो वापस आया, आइए आप मध्य प्रदेश पहले घूमिए, डेफिनेटली बिना इन्वेस्ट करके आप है ना वापस नहीं लौटेंगे। तो ये मैंने जैसे कहा है, ये हमारा लाडपुरा गांव किनका आज अवार्ड मिल रही है, हमारी साबरवानी गांव चिंदवाड़ा ये होम स्टे है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत जोर है कि हम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल एरियाज में होम स्टे के माध्यम से उनको लाइवलीहुड को हमको इम्प्रूव करना है। आज देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव है ना घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, विश्व पर्यटन दिवस के लिए पुनः बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल होने का हमें आह्वान किया है, और इस आह्वान के पीछे ये कोशिश है कि हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली हमारी MSMEs, हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, स्किल्स नॉलेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हैंड होल्डिंग करते हुए उन्हें सशक्त बनाया जाए और रोजगार के और अवसर खोले जाएं उनके लिए। तो MSMEs की समृद्धि और MSME से समृद्धि की तरफ जो मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशें हैं, नीतियां हैं, उनका संज्ञान लेते हैं, और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सेक्रेटरी MSME श्री नवनीत मोहन कोठारी जी को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण, मध्य प्रदेश में मध्य MSMEs को जो 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, 250 करोड़ तक का टर्नओवर है, ऐसे यूनिट्स को MSME के मान्यता दी गई है, और मध्य प्रदेश का तकरीबन 30% GDP जो है वो MSMEs के माध्यम से प्राप्त होता है। करीब 14 लाख हमारे MSME रजिस्टर हैं और करीब करीब 72-73 लाख व्यक्ति इसमें एम्प्लॉयड हैं। सागर डिवीज़न को देखें तो ये करीब 6 जिलों का बना हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास MSME डिपार्टमेंट के पास 15 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, 200 हेक्टेयर करीब ज़मीन हमारी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, और करीब 600 हेक्टेयर की ज़मीन और हमारे लैंड बैंक में उपलब्ध है। यहाँ हमारा एक विस्तृत MSMEs का क्लस्टर है जिसमें
करीब 1 लाख हमारे उद्यम रजिस्टर MSMEs हैं और तकरीबन 2.5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन MSMEs में हुआ है। MSME पॉलिसी जो हमारे 2021 की है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट और MSMEs का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जाए। इसके मुख्य फीचर्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू हमारे MSMEs को सहायता देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, स्पेशल सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और साथ ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन और पेटेंट सपोर्ट में भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट पर जोर है ताकि एक ही जगह पर एक जैसी इंडस्ट्री डेवलप हो तो उसका एंड टू एंड में वैल्यू चेन डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल में उसका फ़ायदा मिले। इसके अतिरिक्त हम एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए भी हम सहायता उपलब्ध कराते हैं। मुख्य हमारा उस फोकस है पॉलिसी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि किस तरह से हमारे MSMEs जो हैं वो अपना व्यापार स्थापित कर सकें और उसे चलाने में सुचारू रूप से उनको मदद मिलती रहे उसमें। इसके लिए कई हमारे इनोवेशंस किए हैं, जैसे ऑनलाइन लैंड अलॉटमेंट की है, ऑनलाइन फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं, बिजनेस फैसिलिटेशन सेल्स हमने सब जगह पर स्थापित की हैं, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेवल असिस्टेंस कमेटी हमने की हुई है, कई हमने लाइसेंस के हैं रिन्यूअल्स का सिंप्लीफाई किया है और कई हमारे जो प्रैक्टिसेस थी जो पहले क्रिमिनलाइज में आती थी उसको हमने डिक्रिमिनलाइज किया है। इसके अतिरिक्त सर्विस डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी हमने कई प्रयास किए हैं और विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए भी हमने प्रयास किए हैं। फिस्कल इंसेंटिव्स जैसा बड़ी इंडस्ट्री का है करीब करीब वही हमारे यहाँ पर भी है कि 10 करोड़ तक के प्लांट एंड मशीनरी में हम सपोर्ट करते हैं और 40% तक इसमें हम फिस्कल इंसेंटिव देते हैं। विशेष जो हमारे फोकस सेक्टर्स हैं पावरलूम, फार्मा, एपरल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए हमारे विशेष प्रावधान भी हमने इसमें किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से भी एग्जेम्पशंस हम कई जगह देते हैं उसमें। स्टार्टअप्स की बात करें तो हमारे यहाँ करीब 4,600 के अधिक के अतिरिक्त के आसपास हमारे DPIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिसमें आधे से करीब आधे हमारे महिला उद्यमियों द्वारा रजिस्टर किए हुए हैं। स्टार्टअप की ग्रोथ मध्य प्रदेश में समुचित रूप से हो सके इसलिए हमारे पास मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी है, एक डेडिकेटेड मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से भी हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। कई हमारे इसमें इंसेंटिव्स हैं स्टार्टअप्स के लिए भी हैं और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए अलग से इंसेंटिव्स हैं और जो हमारे इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके लिए भी हम स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव्स देते हैं। ये हमारे मुख्य रूप से मेरे बहुत शीघ्रता से मैंने इसमें आपको किया है। आपको यदि कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो जो बार कोड है इसको स्कैन कर लें, इसमें हमारी पूरी जानकारियाँ विस्तृत रूप से हमारी पॉलिसी इत्यादि संलग्न है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, जहाँ पर आप हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, आप सभी जानते होंगे कि विगत में यह अपने कुटीर उद्योग के लिए भी बहुत जाना जाता था और इसके माध्यम से बहुत रोज़गार भी सृजित होते थे, पर समय का पहिया घूमते घूमते जैसे घूमा, अभी हमने देखा कि यह उद्योग धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता गया। पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन की कोशिश है कि इन उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और इन्हें फिर से अवसर प्रदान किए जाए तो 100 साल तक राज करने वाले इन कुटीर उद्योगों को फिर से वापस उनके अस्तित्व में लाया जाए। इसकी तरफ कुटीर उद्योग में जो सरकार की नीतियाँ हैं उनका संज्ञान लेते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मोहित बुंदास जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय मंच भाइयों और बहनों, मैं आपको कुटीर उद्योग के बारे में और रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊँगा, उनकी क्या संभावनाएँ हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। हम लोग एक पूरे इकोसिस्टम की बात करेंगे जो
रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं वो हर जगह व्याप्त हैं, पूरे प्रदेश के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं और वो वर्टिकली इंटीग्रेट होते हैं लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी। हम इसमें बात करेंगे रूरल इंडस्ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए इन जनरल, ये बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है, हमारा इंडस्ट्रियल पैलेट क्या है, क्या करंट स्टेटस है हम लोगों की फंक्शनिंग का, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स क्या हैं जो रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रॉस्पर करने के लिए अवेलेबल हैं गवर्नमेंट में, और पूंजीवादी लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिसाइड जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपिटलिस्ट उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संभावनाएं और एक्सपोर्ट प्रमोशन पे एक स्ट्रैटेजिक नोट। जैसे मैंने कहा कि ये एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंदर बहुत सारी यूबिक्यूटस इंडस्ट्रीज हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ का लोकल कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, साथ में ये वर्टिकली एज फीडर्स भी एक्ट करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं तो जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट पे जितना एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है वो कहीं ज़्यादा होता है सर्विस सेक्टर से, और रूरल इंडस्ट्रीज़ और भी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग संभावना उत्पन्न करती है। साथ ही साथ अगर हम इक्विटी की बात करें, वेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सर्विस सेक्टर के कंपैरिजन में सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें इनइक्वालिटी ऑफ वेजेस जो होती है वो कम होती है। मैं अगर टेक्निकल स्कोर की बात करूं तो गिनी इंडेक्स इसको नापता है, सर्विसेज सेक्टर में वो 44 है, जबकि अगर हम बात करें इंडस्ट्री सेक्टर में तो वो 35 ही है। सो वहाँ पे हाईएस्ट वेज और लोवेस्ट वेज का जो डिफरेंशियल होता है इंडस्ट्री सेक्टर में वो कम होता है, तो सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करता है। एमपी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक बहुत रिसोर्स रिच स्टेट हैं, अभी आप लोगों को विभिन्न प्रेजेंटेशनों से पता चला है कि माइनिंग हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एग्रो प्रोड्यूस हो, हम तो सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप सागर से, जहां जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी, और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बड़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे, और मंगोलिया के राजपूत राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारे इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं, और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है,
और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाए। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है श्री सुधीर अग्रवाल जी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभाग स्तर पे अलग अलग क्रमश होती जा रही है, बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह, लेकिन इसका एक चक्रीक्रम में फायदा क्या हो रहा है, चक्रीक्रम में फायदा यह हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहां हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में, अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहां सागर में अगर हम आज यहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहां सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी, और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है, बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं, उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना, पन्ना में सीमेंट उद्योग जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है, 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमो में भी सीमेंट प्लांट, कहां लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो, दमो में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली, जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला, बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहां मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपने यहां, डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने बहुत, दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर, डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से
1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं, जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, बहुत बड़ा, एक तरह से अपना एक नया, आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन 6 लेन 8 लेन केवल सुनते थे, भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे, वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से, ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है, और ये आप तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं? हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पाव पसार रही, जोरदार अभिनंदन करे, किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे। अभी अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही, आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है, 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारी इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध पानी का पानी, हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बन के तैयार हो गया, इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, और न केवल जहाज उतरेंगे उड़ेंगे बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है, उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलेंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्यप्रदेश में 120 करोड़ की लागत से एक है, जिसके माध्यम से 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कामन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर के सेठिया के ग्रुप का आज हमने अपना यहां इसको जोड़ा है, 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करें आर के सेठिया जी का। और बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईच ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है, जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, यह नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सभी बंसल ग्रुप ने आज उमेश जी के लिए जोरदार ताली बजा 1350 करोड़ की घोषणा की है, इसमें सागर भी जोड़ लेना, अभी सागर में हॉस्पिटल तो डाला है,
लेकिन दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं, उमेश जी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। धीरे धीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ, परमात्मा ने मौका दिया है। यहां पर जो संभावना है बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नर्मदापुरम में इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी का 1600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्मदापुरम में दूसरा नवकरणीय ऊर्जा का 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया, इसमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारे अलग अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है, आधा सत्र राउंड टेबल के आधार पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निवेशक मेरे मित्र सामने बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है। हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेशकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है, लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे पीएस अभी बोल ही नहीं पाए। हेल्थ के पीएस बैठे हैं, एजुकेशन के पीएस बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे सेक्टर खाली रह गए, लेकिन समय की सीमितता है, हमको एक ही दिन में सब काम करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये क्रम लगातार चलेगा, इसीलिए सब मिला के लगभग 19000 करोड़ से ज्यादा आज प्रस्ताव प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन कर दो सभी के लिए एक बार में, जिसके माध्यम से लगभग 30000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी। ये हमारे इन्वेस्टमेंट समिट की अपनी ताकत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी वृहद इकाई या एमएसएमई सेक्टर, लेकिन मुझे बताया गया है इस बुंदेलखंड पर हमने जब विकास की बात कही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे, लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद्ध रचनाएं बनाई, और चरणबद्ध रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है, तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहां मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी, इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी, सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है, आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं। और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहां नहीं, हर जगह के लिए, और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको बताता हूं संभावना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा नदी लिंक योजना के माध्यम से 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर यहां सिंचाई की संभावना बन रही है। बड़े पैमाने पे पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। जितना ये कष्ट भोग करके पुराने समय में बुंदेलखंड के लिए जो तकलीफ थी, आज के दौर में आने वाले समय में पूरा का पूरा क्षेत्र बदलकर समूचा क्षेत्र ये पंजाब को पीछे छोड़ेगा, इसकी गारंटी ले सकता हूं। इतना अपने आप में यहां एग्रीकल्चर की संभावना रहने वाली, और न केवल हमारे सिंचाई के क्षेत्र में बल्कि पशुपालन को लेकर के हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक एमओयू किया है, और आने वाले 5 साल में अभी देश का 10वां हिस्सा के बराबर दूध हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 5वें नंबर पे पहुंचे, डबल उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। तो जो कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की भी आय डबल करने के लिए दूध उत्पादन में उनको अपना सहभागी बनाएं। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में भी हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां लाई है, इसीलिए फूड इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना भी इसी क्षेत्र में। माइनिंग के सेक्टर में भी हमने अपने अलग अलग प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए, और माइनिंग का तो एक तरह से ये पूरा बेल्ट एक अलग पहचान रखता है, इसीलिए माइनिंग के सेक्टर में भी साफ सुथरी पॉलिसी और सबसे सरलता के साथ नीलामी, इसी कारण से
मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया हमारे अपने ये अपने व्यापार व्यवसाय के तरीके कारण से कि साफ सुथरे ढंग से जो खदान की नीलामी होती है इस पद्धति को हमने पकड़ा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है अभी जो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का हमारा माइनिंग के माध्यम से व्यापार व्यवसाय होता है ये रेवेन्यू कलेक्शन हम 50,000 करोड़ तक ले जाने वाले हैं अर्थात बड़ी संभावना पे बड़े सेक्टर निकालते हुए सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर चूंकि यहाँ इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो अपनी बात समाप्त मत करो इतना प्रेम इतना स्नेह यहाँ से मिलता है। मैं एक बार फिर बुंदेलखंड में आज जो नया सुबह का सूर्य उगा है ये सूर्य की ऊर्जा उष्मा के साथ चांदी का क्लस्टर बना देंगे इसमें क्या दिक्कत है। सैलेन जी के लिए ताली बजाओ चांदी के क्लस्टर की आपने बात कही है मेरा बस चले तो तुम अभी और बताते रहो वो सब बोलता रहूं मुझे अच्छा लगेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए जो जो हो सकता है वो सब करना चाहिए। देखो परमात्मा की लीला है हम सबका हमारे हाथ में ना पैदा होने का हमारे बस की बात थी ना शरीर छोड़ना हमारे बस की बात लेकिन इस मृत्यु लोक में कई जन्मों के पुण्य हो गए पुराने जन्मों के कि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया और अच्छा भाग्य है तो हम अपने इस देश भारतवर्ष में जन्म लेकर के अपना बाकी की जिंदगी प्रारंभ कर रहे हैं और ज्यादा पुण्य मिला के महाकाल और ममलेश्वर के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। तो अपने हाथ में जो यश मिले उतना यश हासिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अपने लिए दो रोटी के जुगाड़ तो सब करता है और करना भी चाहिए। अपने परिवार को पालने की जवाबदारी परमात्मा ने उसको गृहस्थ जीवन में दी वो भी रहना चाहिए लेकिन सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मैं काम करूं और हजार लोग मेरे काम करते करते अपना जीवन का गुजर बसर करें उनके जिंदगी में हमारे माध्यम से उनका बदलाव आए और ये हजार में नहीं जब हजारों में होती है ये लाखों में हो ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जो आपकी सोच है मंशा है विजन है मिशन है वो हमारे साथ साझा करने के लिए और सभी को यहाँ पर आकर इस विकास यात्रा में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हमारे नेशनल पार्टनर्स CII MP के चेयरमैन जो कि चेयरमैन गिरिराज स्टील भी हैं श्री आशीष वैश्य जी को मैं आमंत्रित करती हूं उनके समापन विचार और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास रचने वाले इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।